नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल का दूसरा ग्रहण 27 जुलाई को पड़ने वाला है। यह 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 14 मिनट रहेगी। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति 103 मिनट तक रहेगी। भारत में यह लगभग रात्रि 11:55 से स्पर्श कर लगभग 3:54 पर पूर्ण होगा। इस चंद्र ग्रहण में सुपर ब्लड ब्लू मून का नजारा भी दिखेगा। चंद्र ग्रहण के समय चांद ज्यादा चमकीला और बड़ा नजर आएगा। इसमें पृथ्वी के मध्य क्षेत्र की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। हिंदू धर्म में दोस्तों चंद्र ग्रहण को अच्छा और बुरा दोनों ही बताया गया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जो सूतक लगता है उस समय व्यक्ति को धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। वहीं पे चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात, यानी कि सूतक काल पूर्ण हो जाने के पश्चात, यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको पूजा का लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी से जुड़ा एक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको सूतक काल खत्म होने के बाद करना है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी का खास महत्व है। किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल होता है। तुलसी के उपाय से आप अपने घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा यानी कि चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर नहाना है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके ऊपर और आपके घर पे जितनी भी बुरी ऊर्जा है वह सभी समाप्त हो जाएगी तथा आपके घर में सुख शांति और धन का वास होगा। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी के पानी से नहाने से जो ग्रहण का बुरा प्रभाव होता है वह आपसे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।